क्या खाओगे चाचा? ये रस मलाई नहीं, ये रस रबड़ी है। जय माँ दंतेश्वरी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आपका स्वागत है। आज के ब्रेकफास्ट टूर पे हमारे साथ हैं जीत जी, जो कि अनएक्सप्लोर्ड बस्तर ग्रुप्स हैं। इनके साथ हम लोग यहाँ का फूड टूर करेंगे और आपको यहाँ के जायकों से रूबरू कराएंगे। चलिए सर, करते हैं। ये सेट डोसा जी, ये पोहा और राइस सर दोनों से रहता है। तो ये चिवड़ा से बनाते हैं? चिवड़ा और चावल। अच्छा, दोनों को साथ में पीस के फिर? जी जी। हैं, हाँ स्पीड में चल रहा है फटाफट। ये तो मैंने पहली बार सुना है कि चूड़ा और चावल का डोसा है, और बहुत सही उन्होंने बनाया। बिल्कुल सॉफ्ट है और फ्लफी है, साथ में थोड़ा सा प्याज और धनिया पत्ती डाली है उन्होंने, नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी और सांभर। सर लीजिए, आप भी लीजिए। कैसा लग रहा है टेस्ट? बहुत ही बढ़िया, इतना लाइट है ना? और भी डोसा बनाते हैं, मसाला डोसा बन रहा है वहाँ पे, लेकिन सेट डोसा 9 बजे तक ख़त्म हो जाता है मैक्सिमम जी ना? चलिए अजय जी, धन्यवाद जी। जी भैया जी, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। और यहाँ तो कई तरह के पराठे दिख रहे हैं, आलू गोभी मूली सत्तू, पनीर सादा, मिक्स पराठा, वेज पुलाव, स्पेशल वेज पुलाव, दही प्लेट, दही प्रति किलो और लस्सी। सर सत्तू पराठा एक तो मिक्सचर पहले से बना के रखते हैं, अब जैसे ऑर्डर आया स्टफ़ किया और बना दिया तवे पे। जी बिल्कुल। हैं, कैसे घी में बनाते हैं, मक्खन में बनाते हैं या तेल में? किस में अच्छा लगता है खाने में? घी में भी अच्छा लगता है, बटर में भी अच्छा। नहीं घी में बनाइए। सत्तू यहाँ भी चलता है? जी सर, यहाँ पे भी उतना ज़्यादा नहीं चलता है, पॉपुलर नहीं है यहाँ पे। आलू पराठे, पनीर पराठे ये ज़्यादा फेमस है। सत्तू भैया लोग का ही इंट्रोडक्शन है, जो यहाँ पे सिर्फ ये ही बनाते हैं। हम लोग यूपी से, बनारस से, तो हम लोग साइड में बहुत सत्तू। हाँ, वहाँ तो बाटी खाते हैं, सत्तू वाला बाटी जी। हाँ, हम लोग किए हैं यहाँ पे और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। यहीं पर सिर्फ एक सत्तू का पराठा मिलता है और कहीं आपको मिलेगा नहीं जगदलपुर में। ये सत्तू का पराठा, इसके अंदर में स्टफिंग देखें, प्याज, हरी मिर्च, मंगरेला, लहसुन, सारी चीज़ें हैं। ये है अपना मट्ठा और ये है छोले और आलू। सत्तू का पराठा, पूड़ी, लिट्टी बहुत पसंद है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही न्यूट्रिशियस है। तो पराठा यहाँ पे मतलब ज़्यादातर लोग शाम में जाना पसंद करते हैं, शाम को खाते हैं। हाँ, क्या सही इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है बैठने का, जैसे लगता है आप कहीं स्टेडियम वगैरह में टाइप से बैठे हुए हैं? शाम के बहुत भीड़ में, शाम में दंतेश्वरी मंदिर और पैलेस का पूरा दिखता है, तो वहाँ से लोग दर्शन किए फिर आए यहाँ पे खाए हुए। जी जी, तो चौपाटी बोलते हैं, तो शाम को बहुत एक्टिव होता है। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा पराठा आपका, सत्तू का पराठा भी, आलू का पराठा भी, और बिल्कुल खा के पता नहीं चला कहाँ गया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे हम खाएंगे छोले भटूरे जी, जो कि दिल्ली के बहुत ही प्रसिद्ध डिश है जी। बिल्कुल है,
और ये जगदलपुर का भी काफ़ी फेमस एक ब्रेकफास्ट का जगह है छोले भटूरे का। सर हमारे लिए एक पीस लगा दीजिए। ये आ गया हमारा भटूरा और ऊपर से थोड़ा सा गिल्ट कम करने के लिए एक अखबार। ये रायता छोले और उसके बाद हमारे प्याज और एक हरी मिर्च। तो आइए इसका जायका लिया जाए। यहाँ पे जो आपने भटूरा खाया काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल पतला, अच्छे से फूला हुआ जैसा भटूरा होना चाहिए। साथ में जो छोले दिए हैं इसमें ये भी पूरा मसालेदार है, है? जैसे हमने वहाँ छोले खाए वो थोड़ा सा लाइट था जी। ये थोड़ा सा मसालों के साथ है और रायता बोले या मट्ठा बोले बूंदी के साथ है, बिल्कुल पतला सा। साथ में प्याज और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें एक भटूरे के साथ होनी चाहिए। कहीं कहीं आम का अचार देते हैं, कहीं पे आमले का अचार होता है, कहीं गाजर का अचार होता है, लेकिन अचार होना ज़रूरी है, साथ में कच्चे प्याज होने ज़रूरी है। चलिए गौरव जी धन्यवाद। ये आ गया हमारा रवा कटिंग डोसा है, जिसमें डोसे को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया गया है, इसलिए इसको कटिंग डोसा कहते हैं जी। और रवा डोसा बोले मतलब सूजी का डोसा जी, है ना। साथ में प्याज की चटनी है जो आप बता रहे हैं, बहुत ही स्पेशल है यहाँ पे जी। फिर नारियल की दो तरह की चटनी है, एक बिल्कुल थिक और एक थोड़ी पतली वाली। साथ में रनी सांभर और ये आ गई हमारी चाय, बिना शक्कर की चाय यहाँ रही, शक्कर वाली वहाँ रही। आइए सर, चटनी स्पेशल है इनकी, है इस चटनी में अच्छा सा एक खट्टापन है। बिना टमाटर की चटनी है, देखने में हालांकि लाल है और ये बनाई गई है प्याज से, लाल मिर्च से और अदरक से जी, है ठीक है सर, थैंक यू। डोसा खाने में मज़ा आया, साथ साथ चटनी बहुत ज़बरदस्त है आपकी। चलिए चला जाए। तो यहाँ पे समोसे बनाने की तैयारी हो रही है। समोसे के अंदर में आलू का मसाला भरा जा रहा है, अब इसके बाद इसको तला जाएगा। तो क्या क्या डलता है आलू के मसाले में? आलू के मसाले में हम लोग डालते हैं फली दाना, हरा मटर और बाकी मसाले। और सर आपकी शॉप कितनी पुरानी है? 1975 से। अच्छा, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं जगदलपुर के? नहीं, हम तो वैसे यहाँ 50-55 साल हो गए। हाँ, वैसे हम गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? कच्छ से। कच्छ से, लेकिन अब जगदलपुरिया हो गए। जगदलपुरिया हो गए, बस्तरिया हो गए। बस्तरिया हो गए, यहाँ हमारा पूरा परिवार यहीं है। जन्म मेरा जो बाहर हुआ था, पिताजी बहुत साल से यहीं है। हम जो इस कॉस्ट में 5 गुना दे रहे हैं, जगदलपुर में कहीं नहीं मिलेगा जिस कॉस्ट में, जो क्वालिटी कॉस्ट वाइज हम देते हैं। हमारा क्या है, एक्चुअली इतने साल हो गए ना, हमारा ध्यान अभी इसमें कमाई की तरफ नहीं है। जगदलपुर ने जो हमको दिया है उसको हम इतना कुछ दे सकें, लोगों को सुविधाएं दें ना, उनको फ़ायदा दें, अभी कमाई की तरफ ध्यान। समोसा भी आ गया, साथ साथ सौरभ जी भी आ गए। सर आप भी खाते हैं समोसा? हाँ, है? ये ऐसा समोसा है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ बिना ताम झाम का समोसा, मतलब जिसमें अभी तक पनीरीकरण नहीं हुआ है, नॉर्मल समोसा जिसमें आपको मूंगफली के दाने हैं, मसाला अच्छे से भुना हुआ है, जो मैदा है उसके अंदर भी मंगरेला है और बिल्कुल खस्ता।
साइड आप देखेंगे तो कॉस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रह चुका हूँ 4 साल, वहाँ पे काम भी किया है, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ जैसे आप बोल रहे हैं कि उसमें पनीर डालना है, फिर दूसरे अलग अलग टाइप की कभी चाउमीन की स्टफिंग है, ये एकदम ऑथेंटिक है और ये काफ़ी सालों से हमारा सेम मिश्रण में सब मिक्स होता है और सेम कंसिस्टेंसी में मिली। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार समोसा है। बस ये कि इसको मेरे ख्याल से समोसा नहीं, इसको आप सिंघारा बोलें। समोसा जो होता है उससे अलग है सिंघारा, और ये सिंघारा है ना? ये कैसे तैयार होती है? ये तैयार जैसे गुलाब जामुन बनता है ना, हाँ तो वैसे ही इसका प्रोसेसिंग होता है। और इसमें सिर्फ अनारकली में नाम इसलिए इसका ऐसा रखा जाता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि क्या है, है गुलाब जामुन का ये आइटम। हाँ बिल्कुल, अगर आप इसको बंद कर दें तो गुलाब जामुन ही है। गुलाब जामुन जैसे ही दिखेगा ये। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है, हैं? और बाहर से एकदम ये हमारा इधर का नया इन्वेंशन है, यहाँ हर कोई नहीं बनाता है। गाड़ी चाशनी में डूबा हुआ है, क्या बात। अनारकली और ये खोए की जलेबी जो आप फलार में भी खा सकते हैं, इसमें मैदे का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ खोया है, साथ ही साथ तिखुर है जिसका शरबत हमने पिया था पहले दिन, और उसके बाद इसमें सिंघारे का आटा मिलाया हुआ। ये हल्का मीठा है, ज़्यादा मीठा नहीं है ये जलेबी। अनारकली काफ़ी मीठा है। अनारकली क्या होता है, ये 4-6 दिन पहले से भी ख़राब नहीं होता है, इसलिए इसको थोड़ी मोटी चटनी बनाते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत अच्छी मिठाई भी थी, मज़ा आया, समोसा बहुत मज़ा आया खाने में। थैंक यू। क्या बात है, गर्मा गर्म कचौड़ी रिफाइंड में तैयार की गई, हमने बनते हुए भी देखा वहाँ पे। और सर बता रहे थे कि इसका जो मसाला है इसमें आलू है, प्याज है, साथ में हरे मटर भी है, और काजू का भी इस्तेमाल किया गया है। हालांकि मैंने कचौड़ी में कभी काजू देखी नहीं है, हो सकता है इसको आप शाही कचौड़ी भी कह सकते हैं, रॉयल कचौड़ी भी कह सकते हैं, जैसे जोधपुर में रॉयल शाही समोसा है उसी तरह से आप इसको शाही कचौड़ी कह सकते हैं। और बिल्कुल फूली भी दोनों तरफ से लाल, आइए जायका लिया जाए। तो आप सब लोग जोधपुर के ही हैं, मन लगता है जगदलपुर में कि वापस जाने का मन करता है, लगाना पड़ता है काम के लिए है। अभी होली आ रहा है, सब जाएंगे कि यहीं रहेंगे? होली के बाद जाएंगे। हमको लगभग 2004 में हम लोगों ने काम स्टेब्लिश किया था, 16 दिसंबर 2004। बहुत बढ़िया, बिल्कुल खस्ता है। और जो एक कचौड़ी में आपको अलग अलग परत दिखती है, जो फ्लेकिंग दिखता है वो भी इसमें है, और आलू प्याज की कचौड़ी खाएं तो हल्का सा खट्टापन आता है वो भी है, खट्टापन मतलब स्पेशली मारवाड़ी लोग खट्टापन पसंद है, और यहाँ तो कम मात्रा है, बाकी अपन जोधपुर साइड जाएंगे तो खट्टापन की मात्रा होने मुँह में पानी आना चाहिए, क्योंकि जाने मतलब मुँह में चावल डालें मसाला मुँह में हल्का पानी का सिस्टम होना चाहिए, तब तो ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ खाना चाहिए तो लोगों को ये लगा कि शायद खट्टे कैसे है, कल कितनी है, अच्छा हम लोगों ने खट्टापन बहुत कम कर दिया, आधा कर दिया, खट्टापन बहुत ज़्यादा का अच्छा लगता है। चलिए सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और राजस्थानी स्वाद जगदलपुर में हमें मिला है। चलिए आलू चाप, आलू गुंडा, हम शरीफ आदमी हैं लेकिन फिर भी खा रहे हैं, आइए। टमाटर की चटनी, यहाँ का होटल जगदलपुर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ठीक है, टेस्ट अच्छा, थोड़ा गर्म होता ना बड़ा आलू गुंडा और मज़ा आता, लेकिन अच्छा है। रबड़ी खाया जाए, हल्का खट्टापन भी लग रहा है मेरे को। रसमलाई खाया जाए, फ्रेश है ना बिल्कुल, हैं?
अभी हम कहीं गए थे वहाँ पे हमको अच्छा लगा नहीं। ऐसा? हाँ, वहाँ पे लस्सा मारा हुआ था। तो उन्हें गर्मी का समय आ गया ना, मलाई का परत ये देखिए। जो अंदर रसगुल्ला है वो पूरा चाशनी में पहले डुबाए हुए हैं, डुबाते हैं ना, डुबे जब तो वाट मिलता है उसके बाद डालते हैं उसमें। इतना काढ़ा था है तो हम लोग जो खाते हैं रसमलाई, उसमें क्या होता है कि दूध वो अपने आप घीच लेता है। इसमें चाशनी डाले में पहले से थोड़ा सा डेंस है। आइए अब इसका जायका लिया जाए, मलाई का। जैसे आप कंडेंस मिल्क होता है या मिल्क मेड जो टिन में आया करता था वैसा वाला टेस्ट है, बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही मीठा। अब इतना मीठा खा लिया है तो पान खाया जाए, और जो आपने अपना ब्रेकफास्ट हुआ सुबह शुरू किया था जीत जी के साथ, वो बीच में चले गए, उनको कहीं जाना था, इसको एंड किया जाए। चलिए और इसी के साथ हमारा जगदलपुर का ब्रेकफास्ट टूर एंड हुआ। हम फिर मिलेंगे जगदलपुर के किसी नए इलाके में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। यहाँ मिलता है चाउर भाजा, बहुत दूर से आपको ढूंढते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। थोड़ा बनाते हैं, कहाँ है चावल भाजा, देखे तो कैसा दिखता है, ये बनता कैसे है? चिकन और चावल को बनाना है, चिकन को बना दिए सब्जी दे, फिर चावल डाल दिए बस। आप इसे गीली बिरयानी भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, बस गीली बिरयानी। और गाँव की बिरयानी चावल भाजा लोकल एक कैसा है कि चिकन करी में जो मिला दिया होगा चावल किसी ने, उसे चावल में चावल भाजा में चिकन है ना, ड्राई फॉर्म Anything in a dry form is भाजा, उसको भाजा बोलते हैं। चावल सब मिक्स वाला, चावल को करी में डाल देते हैं तो पूरा पानी पी जाता है। चिकन जो है वो ड्राई हो जाता है तो वो भाजा बन जाता है, ये चावल हो जाता है। चलिए सर लगाइए। दूर आए हैं हम लोग आपका चावल भाजा खाने के लिए। स्पाइसी है लेकिन है टेस्टी। हाँ चले थे, चलिए ठीक है। ओके कृष्णा जी, थैंक यू। बढ़िया, आपने मसालेदार स्पाइसी चावल भाजा खिलाया। यहाँ पे बंगाली मिठाइयाँ मिलती हैं, मोस्टली बंगाली। अच्छा, इसमें है क्या क्या बता तो दीजिए पहले, क्या क्या है? ये है शक्कर की रसगुल्ला, एक गुड़ की रसगुल्ला, इसको खीर कदम बोलते हैं। खीर कदम, ये देखिए अच्छे रसगुल्ले की पहचान है, अगर अपने शेप में वापस आ जाता है दबाने के बाद। कितना सॉफ्ट है और रस भी हल्का है, मतलब ज़्यादा हैवी रस नहीं है। किनको रस मलाई खिलाओ? ये खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। मैम खा लिया, मेरे को अच्छा लगा ये। थोड़ा खाइए और चले। ये रबड़ी है? नहीं, रबड़ी ये है। कितना गाढ़ा है आपका ये रस मलाई का रस्सा। क्या खाओगे चाचा? ये रस मलाई नहीं, ये रस रबड़ी है। रस मलाई क्या रबड़ी है? क्या मलाई है, क्या मलाई है। ठीक है दादू, तौन बांध, मिठाई खूब भालो, मिष्टी खूब भालो है। चलिए चला जाए। सर एक पहले बटर डालता है, बटर डाला जाता है, फिर हरी मिर्च थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा फिर जीरा डाला जाता है सर, ठीक है, प्याज थोड़ा सा, प्याज ज़्यादा रहता है मात्रा। दाल चखना बना रहे हैं ना? दाल चखना हो रहा है सर।
थोड़ा टमाटर डला गया मशरूम है, अरहर मशरूम मूंग मिक्स दाल है, फिर मेथी डाला जाता है सर थोड़ा सा, मेथी मेथी धनिया धनिया है ना बाबर, अभी लाल मिर्च हुआ कलर के लिए, ये तो दाल तड़का ही हुआ मतलब, नहीं नहीं चकना दाल अलग है सर, दाल तड़का क्या है लहसुन डालते हैं खड़ा मिर्च डालते हैं, दाल चकना है, तो लहसुन तो डाले ही है आप, अदरक भी डाले है सर, तो चखना फर्क क्या है, ये रहता है डबल फ्राई होता है, बटर से डाल दुनिया भर मसाला फसाला डलता है, ये डबल फ्राई होता है इसको दाल चखना बोलते हैं, ये गाढ़ा रहता है और दाल फ्राई पतला रहता है, दाल फ्राई पतला रहता है, दाल तड़का अलग रहता है, दाल मखनी अलग रहता है, अच्छा बिल्कुल गाढ़ा कर देते हैं पूरा गाढ़ा रहता है, अच्छा सर पीस पीस के जी, तो ये फर्क हो जाता है, और चखना से चखना बना है, चखना हो जाता है, जो साथ में लेते हैं थोड़ा थोड़ा गुट गुट और चखना खाते हैं वही है, अच्छा पूरा पानी सुखा देंगे, पानी सुखा देते हैं सर, ये पूरा गाढ़ा रहता है, हाँ वही हो गया सर, टेस्ट करोगे, हाँ तो आए किस लिए, खाली बनने में देखते सर, बनते हुए देखने के थोड़ी आए, लगा जीव में हाँ बस, लेकिन तीखा तो है लेकिन स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट रहेगा हाँ, इतने सारी चीज़ें डाली हैं तो स्वादिष्ट तो रहे, कितना साल हो गया आपके ढाबे को, हमारे को ढाबे का काम करते करते हो गया 32 साल, और ये अपना शुरू से ही लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनते आ रहा है, सबसे पहले दाल जो रहेगा ऐसा रहेगा, ये बॉइल्ड है, उसके बाद ऐसा होगा, ये फ्राई हो गया, फ्राई हो गया दाल फ्राई, उसके बाद जो चीज दाल और वो फ्लेम फर्क है, दाल उबालिए, उबालने के बाद आप दाल फ्राई बनाएंगे, दाल फ्राई बनाने के बाद आप दाल चाकना बनाएंगे, तो तीन स्टेप इसमें इन्वॉल्व है, तीन स्टेप है ना, डबल दो बार तड़का लगता है, तीन बार दाल पकता है, हमें जाके इसका गले में लगना चाहिए, जीभ में लगना चाहिए, गले में भी लगना चाहिए, थोड़ा मसाला लगे खाया है वैसा है लग रहा है हल्का, अब जाके चलिए ये भी अच्छा रहा, एक नई चीज़ खाने को मिली दाल चखना, चलो जाए चलिए सर, थैंक यू बाय, केरी ये क्या होता है, किस चावल काटे से होता है, ये तो गुजिया हो गया, ये नमक पाड़ा निमकी खुरमी, तो मीठा वाला होता है, मीठा तो ये तो वो तो वैसा अच्छा, और ये लड्डू, ये तो खाया था मैंने सेब का, ये मूँगफली का लड्डू है, सो आप लोग दिल्ली में तो मौसम ख़त्म हो गया, ठंडा में खाते हैं ना इसको, तो ये नाश्ता है, और जो वो होता है गुड़, वो ऐसे ही होता है ना, वो यही है, यही है ना, अच्छा छत्तीसगढ़ी में नाश्ता करते सब आप लोग बनाते हैं खुद से, यही बनता है, और कितने कितने रुपए का पैकेट है ये, सब 20 रुपए का, कोई भी लें 20 रुपए, हम एक ही ले लेते हैं, आप भैया को बोले थे कि वो रास्ते में कहीं जगह मिले तो गुड़ बोबो लेना है, है ना, अच्छा है ना, टेस्टी है, चलिए यहाँ दाल बहु बना रहे हैं, हैं ये दाल किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उड़द दाल, उड़द दाल आता है, ये दाल बोबो साबूदाना बड़ा गुलगुले और तिखुर, ये तिखुर अलग है, हमने जो ये ओरिजिनल मिलेगा, अच्छा यहाँ से, यहाँ भी अंदर गांव कहाँ से लेकर आते हैं, ये भी हर समय अवेलेबल नहीं होता, ये तिखुर नारियल और चीनी तीन चीज़ें हैं, ये सर जिलेटिन की तरह टेक्सचर है इसका, हाँ और बिल्कुल हल्का मीठा, बहुत अच्छा मतलब परफेक्टली बैलेंस, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है,
कलर में फ़र्क है, उन्होंने चावल मिलाया हुआ था जिसमें बिना चावल का है। अच्छा इनिशिएटिव है गढ़ कलेवा का, लोगों को रोज़गार भी मिलता है और घरों में जो खाना बनाते हैं वही यहाँ पे अपना बेच रहे हैं, जो लोकल ट्रेडिशनल क्लासिक डिशेज हैं वो मिल जाए यहाँ पे। ये गुलगुला है जो आटा और गुड़ से बना हुआ है। मतलब अच्छी क्वालिटी है। दाल चाय पी जाए। चीयर्स। मज़ा आया, सभी चीज़ें बहुत ही उम्दा है। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। चलिए दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते। चलिए चलिए ठीक। बहुत सही फ्राई किया है उन्होंने, है अंदर से जूसी है, जो मॉइस्चर है वो उसमें है, नो डाउट काफ़ी अच्छा देते हैं। चलिए जॉय सर, ऐसे ही जॉय फैलाते रहिए। ठीक है, थैंक यू। और समोसा बहुत अच्छा है, मतलब आप जानते हैं कितना खा चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी बहुत शानदार समोसा है। तो अभी आप भी चलाते हैं? मैं अकेला रहता हूँ और पापा जैसे सामान खत्म होता है चले जाते हैं। आप दोपहर में आ जाते हैं यहाँ पर? 1 बजे से आ जाता हूँ, सुबह सामान तैयारी करना पड़ता है उठ कर, मतलब ये सर अपन पूरे व्यस्त रहते हैं 3 बजे से। अच्छा है ना, आदमी को व्यस्त रहना भी चाहिए, खाली दिमाग से ऐसा है ना सर, लाइफ को इंजॉय करना भी थोड़ा ज़रूरी रहता है, कभी माइंड शांत करना हफ्ते में एक आध दिन, तो अपने को तो वो भी नहीं मिलता। साथ में दुकान लगाते हैं? हाँ, क्योंकि ये किराया पे है तो किराया भी पटाना पड़ता है। ऐसा इतना खस्ता कैसे बना हुआ है? मोइन सर, जो डालडा का मोइन देते हैं खस्ता ना, तो हार्ड हो जाएगा सर। आलू के मसाला में क्या क्या डालते हैं? मसाला में सर अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला। लहसुन खूब डाले हुए हैं? लहसुन हल्का तेज रखते हैं। बहुत बढ़िया। और क्या क्या आइटम मिलता है आपके यहाँ सर? मुंगेड़ी, ब्रेड पकौड़ा, मिर्ची भजिया, आलू चाप, आलू गुंडा, मिर्ची भजिया, सोया चंक्स। सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं लोग आपके यहाँ आते हैं? जो मुंगेड़ी, आलू गुंडा, ये क्या चलता है सबसे पहले? वही निपटता है लोगों का, सब उसका पसंद रहता है सर, जिनको जो अच्छा टेस्ट मिल जाए वो। और जैसे ही बारिश होती है, मौसम बदलता है, थोड़ी हवा चलती है, लोग यहाँ आ जाते हैं, बहुत भीड़ लगता है, बहुत ज़्यादा। मौसम के हिसाब से हमको भी अच्छा लगता है काम करने में, फटाफट हाथ चल रहा होता है, नोट आ रहा होता है, तो अच्छा कहीं लगेगा। ठीक है गुप्ता जी, थैंक यू। सर हमारा 50 साल पुराना काम है सर, पहले हमारा एक चौक में दुकान लगता था और हमारे बाबूजी के लोग मन्नू के नाम से जानते थे, और उनको 50 साल पुराना काम है और 28 साल से मैं कर रहा हूँ, तो लगभग शहर के सारे लोग, पुराने लोग सारे जानते हैं उनको, लोगों का प्रेम बना हुआ है, लोग बने हुए हैं। तो उस समय से फलूदा मिलता आ रहा है? हाँ, मिलता आ रहा है। हम लोग रहने वाले कहाँ के हैं पीछे? हैं तो एक्चुअल मेरा पैदाइश यहीं का है, और जैसे हमारे बाबूजी थे हमारे वहाँ के सिंध के थे, दादू जिला के, तो वही पार्टीशन के बाद फिर इधर आ गए और फिर यहीं बस गए, और अब बन गए आप जगदलपुरिया? जगदलपुरिया बन गए, बस्तरिया बन गए, बस्तरिया बन गए। मैं चेंज करता हूं। अरे वाह, आपको करना है। तो ये रबड़ी फलूदा, इसमें फलूदा है, बर्फ़ है, उसके बाद रबड़ी है और साथ में खोआ है, बिल्कुल लच्छेदार रबड़ी हंडी है। चलिए थैंक यू सर, आपने बहुत फास्ट, मतलब फास्टेस्ट फूड टूर हमने किया है आज।
हैं, फटाफट फटाफट इतने सारे स्टॉप्स पे गए और जहाँ भी गए जो भी चीज़ें हमने खाई सभी बहुत अच्छी थी। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे और भी कोई जो ट्रैवल डिशेज हैं वो आपके साथ बनाएंगे ज़रूर। छत्तीसगढ़ एंड स्पेशली बस्तर इज सेफ टू ट्रैवल। इसी बात पे मिलते हैं फिर किसी नए शहर में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। टाटा।